कैसे आप सब, आई होप कि अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और दिन के बज रहे हैं अभी 1:30 हो रहा है और ब्लॉग की शुरुआत मैं इस समय की हूँ। नहाना, पूजा पाठ सब दिन के 10:30 के करीब जो मेरा खत्म हो गया था, 12:30 के करीब में पूजा पाठ सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद बैठी, थोड़ा सा ड्राइंग रूम का डस्टिंग की, थोड़ा बेडरूम का डस्टिंग की। एक बार वॉशिंग मशीन लग चुका है और आज दिन भर में कम से कम 2 बार और मशीन लगने वाला है। लंच की अगर बात करते हो तो लंच एकदम सादा सुधा, सस्ता सुंदर और टिकाऊ खाना आप समझ जाओ कि क्या बनाने वाली हूँ। क्योंकि 2-3 दिन बहुत ज्यादा घिचपिच खाना, मीन्स बोलते ना पिज्जा दिस डैट, बहुत ज्यादा खाना हो गया था जो कि टमी के लिए सही नहीं है। तो फिर आज एकदम हल्का फुल्का खाना बनाने वाली हूँ। लंच में चावल दाल और अभी तो सैलेड अंशु गोल्डी खा चुके हैं, मैं अभी खाने वाली हूँ। तो ये देखिए, एक काकड़ी कट करके अभी एक काकड़ी खाने वाली हूँ और उसके बाद जो है सो लंच में चावल दाल बनाने वाली हूँ। करवा है वो साइड का कट में ही है ना मेरा, इसलिए काकड़ी करवा है। गोल्डी सुबह 9 बजे से उठ के और स्टडी अपना 9:30 ओके हाँ गोल्डी 7 बजे से जगी हुई है बट उसका क्लास शुरू हो चुका है। मैं 7 बजे जगी हूँ तो गोल्डी भी 7 बजे से जगी, मैं तो 6 बजे से जगी हुई हूँ। मैं 6 बजे से जगी हूँ, गोल्डी 6 बजे से जगी हुई है। और अगर डिनर की बात पूछते हो तो डिनर में पहले मेरा प्लान कुछ और था, सोची थी कि मैं पालक पनीर बनाऊंगी। फिर दिमाग में आया कि भाई पालक है नहीं, तो फिर मैं सोची कि पनीर मेथी बनाऊंगी। फिर हुआ कि ना पनीर मेथी नहीं, तो फाइनली हुआ है कि मैं मेथी पराठा बनाऊंगी और आलू टमाटर की सब्जी। तो डिनर में आज ये रहने वाला है। हाँ नहीं, मैं डिनर अच्छा है, लंच सस्ता सुंदर और भी है। वो भी लंच नहीं करेगी तो उतना चावल क्या मैं अपने सर के ऊपर बनाने के लिए की हूँ। लंच वगैरह कर लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ बात करती हूँ। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। मैं आप लोगों से जब बात की उसके बाद में चली गई थी सोने के लिए, अभी सो करके उठी हूँ और उसके बाद जो है अभी शाम के बज रहे हैं, 5:30 हो रहा है और अच्छी खासी नींद आ गई। तो 1 आवर के करीब में अच्छा सो गई थी। और आपको मैं बताऊँ, गोल्डी की रहीसी आप देखोगे ना, गोल्डी की रहीसी तो फिर आप कहोगे कि क्या है, दिखाती। खुद के लिए मैगी बना रही है बट क्या कर रही है, लैपटॉप पे मीत देख रही है। मीत देखते हुए, सीरियल देखते हुए मैगी बनाना, गजब। मीत बहुत ही बेहतरीन सीरियल है। वो बताता है कि एक औरत, एक लड़की, लड़की नहीं वो एक बेटे का भी फर्ज निभा सकती है, वो बहू नहीं बेटी का भी फर्ज निभा सकती है दोनों साथ में। हाँ। और वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती है, अगर वो मतलब जो चीज नहीं कर सकती वो भी शादी के बाद अपने आप को बदलाव करके वो भी कर लेती है। और एक एक मंगलसूत्र का ताकत बताती है कि एक मंगलसूत्र में ताकत कितना, जब वो एक सुई से डरती है लेकिन अपने हस्बैंड के लिए 3-3 बॉटल खून त्याग देती है अपने शरीर से। तो यही सब बताता है, बहुत अच्छी सीरियल है, आप भी देखिएगा। किचन से निकलती है, उसके बाद मैं जाऊंगी थोड़ा सा एक कप चाय बनाऊंगी, फिर चाय पीऊंगी। वाओ, मैगी एंड अ कप ऑफ टी, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। एक कप चाय बना के पी लूंगी और उसके बाद शाम दिखलाऊंगी। मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, जस्ट टेल मी, जस्ट टेल मेरे बाल आपको कैसे लग रहे हैं। मेरे बाल बहुत सिल्की, बहुत सिल्की, बहुत सिल्की और बहुत ज्यादा शाइनी लग रहे हैं, है ना। तो वही है, चाय बनाऊंगी, उसके बाद एक कप चाय पीऊंगी, फिर शाम दिखलाऊंगी। यहाँ तक डिनर की बात करते हो, मेरा डिनर बन के रेडी है। मैं सब्जी बना करके सोने गई थी, तो ये आलू और टमाटर प्लस थोड़ा सा मेथी पत्ती भी इसके अंदर डाल दी हूँ, ठीक है, इतू सा डाल दी हूँ। और उसके बाद तो चलिए शाम की चाय, उसके पहले
थोड़ा सा अपनी सासू माँ से और थोड़ा सा अम्मा से गप्पा कर लेती हूँ, क्योंकि पटना में बहुत बहुत ठंडी है और मुजफ्फरपुर में भी बहुत 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 ठंडी है। तो दोनों से बात कर लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ बात करती हूँ। तो अभी शाम के 7:40 हो रहा है, गुड्डू अभी तक ऑफिस से नहीं आए हैं, अंशु बाजू वाले फ्लैट में है, गोल्डी चली गई है रूम में लेटने के लिए, क्योंकि सुबह से कंटिन्यू लैपटॉप के ऊपर बैठी थी, तो बोली मम्मा मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, मैं बोली कि जाके बैठो थोड़ा सा लेट हो, क्योंकि कंटिन्यू लैपटॉप के ऊपर और मोबाइल के ऊपर देखते हैं तो आंख के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और ये तो मुझसे ज़्यादा कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि आज ही जा करके डॉक्टर के पास से आई हूँ, और जब तक जीना है तब तक मेडिसिन खाना है और क्या करना है, यही है लाइफ। तो अभी चाय वगैरह तो पी चुकी हूँ मैं, अभी गुड्डू के आने का वेट कर रही हूँ, आ जाएंगे 1 आवर तक, 8:30 तक आ जाएंगे गुड्डू, उसके बाद जो है सो कि थोड़ा गप्पा उप्पा करूँगी और उसके बाद जो है सीरियल देखूँगी। मैं एक ही सीरियल देखती हूँ, बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पुराना वाला जो इसका सीजन था वो भी मुझे अच्छा लगता था और नया वाला सीजन भी अच्छा लगता है, तो चलिए बड़े अच्छे लगते हैं वो देख लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा काम है मुझे यूट्यूब का वो कर लेती हूँ, किसी के कमेंट आ रहे हैं, किसी के डीएम आ रहे हैं, किसी के मैसेज आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं, वो सब भी थोड़ा चेक कर लेती हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। Find the real, find the real me. So let's go. She's a feeling. Cause you know, it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. बज रहे हैं 12:00 और जैसे आप देखे हो कि डिनर हमारा हुआ है मेथी पराठा और आलू टमाटर और मेथी की सब्जी, तो डिनर हो चुका है और डिनर करके गुड्डू जा चुके हैं सोने के लिए, अंशु सो चुका है क्योंकि अंशु को सुबह 5:00 उठना है, क्योंकि उसे लैब मैनुअल में लिखना है रिटेन, अभी कुछ थोड़ा उसका बाकी है, एक्चुअली उसका कम्प्लीट हो चुका था बट उसे थोड़ा डाउट हुआ है, बोला है कि मम्मा मुझे थोड़ा सा और मैं लिख लेता हूँ तो बेटर रहेगा, तो वो सुबह 5:00 उठेगा और उसके बाद वो लिखेगा, और उसके बाद कल उसके प्रैक्टिकल्स का वो कल लास्ट डे है, अभी रिटेन जो है उसके मार्च एंड में या मार्च में जब भी हो तब का जो है सो कि देखा जाएगा, लेकिन अभी प्रैक्टिकल्स का वो जो है ये अभी लास्ट है। और मुझसे अगर आप पूछते हो तो आज पूरे दिन तो आप लोगों के साथ ही बिताई हूँ, बस थोड़े टाइम आप लोगों के साथ नहीं बिताई थी, वो थोड़ा टाइम मैं आप लोगों को बताई नहीं, मैं हॉस्पिटल चली गई थी, और हॉस्पिटल में जो गई थी जैसे मैं आप लोगों को बताई थी कि ट्यूसडे को मुझे दिखलाने जाना है, तो ट्यूसडे को जा करके दिखला करके आ गई हूँ, मेडिसिन है और मेडिसिन जो है वो खाऊंगी मैं, तो वही सब है, और उसके बाद हॉस्पिटल से आकर के मैं सो गई थी, और उसके बाद जब उठी हूँ तो आप लोगों के साथ मैं जो हूँ वो बात ही कर रही हूँ। तो अभी तो मैं नहीं सो रही हूँ, अभी मैं थोड़ा सा कर रही हूँ नेचुरल ब्यूटी के वीडियो है उसके ऊपर थोड़ा सा अभी काम करने वाली हूँ, तो उसके ऊपर थोड़ा काम करूँगी, उसके बाद जो है वो मैं सोने वाली हूँ, तो 5 बजे उठना है मुझे, तो ताकि मैं 5 बजे मैं उठूँगी ताकि मैं अंशु को उठा सकूँ, तो सोच तो रही हूँ कि ब्लॉग इंड मैं सुबह में करूँ, बट अगर बाय चांस अगर मैं सुबह में ब्लॉग इंड नहीं की तो मैं अभी ही आप सोच लो कि ब्लॉग इंड हो गया, अगर ब्लॉग अच्छा लग गया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और अच्छा लग गया हो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो, ये ब्लॉग अगर सुबह में इंड की तो ये बात मैं फिर से सुबह में बोलूँगी, तो चलिए मिलते हैं मॉर्निंग टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।